हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जितुरा यूट्यूब चैनल। टुडे इज लेसन नंबर 22, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे एमएससी स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2, सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत आने वाला जो हमारा टॉपिक है 9.2, समूह से मिलने वाले पद आकृति पार्ट 2। आज की इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं समूह से मिलने वाले पद। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से वो समूह में मिलता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं टॉपिक 9, समूह के साथ सम्मिलित होने वाले पद। अब ऐसे पद जो समूह में सम्मिलित होते हैं, इस घटक में शब्द आकृतियां अथवा संख्याओं का एक समूह दिया जाता है। तो अपने लेसन नंबर 21 में देखे कि शब्दों के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस लेसन में हम लोग देखेंगे आकृतियां, आकृतियों के ऊपर इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उस समूह की विशेषता पहचान कर उस समूह में बैठने वाला शब्द अथवा आकृति या संख्या पहचानने के लिए बताया जाता है। तो देखते आगे, उपघटक 9.2 आकृतियां। इस घटक में दिए गए प्रश्नों की तीन आकृतियां में कोई एक समान गुणधर्म रहता है, उसे पहचान कर उसी प्रकार के गुणधर्मों वाले आकृति पर्याय आकृति में से चुनना अपेक्षित होता है। तो क्वेश्चन में तीन आकृति दी जाएंगी और उनमें जो तीनों में सेम जो गुणधर्म होगा वो हमें ऑप्शन में भी देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन की आकृति में वही गुणधर्म है। ठीक है, क्वेश्चन से हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे वर्ग दिया है और वर्ग को चार भागों में बांटा गया है। तो उसके जो दो भाग है, दो भागों में क्या किया गया है, कलर किया गया है और दो भाग को खाली रखा गया है। यानी 1/2 जो पार्ट है वो ब्लैंक है और उसका जो आधा भाग है वो भरा हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है और एक भाग को क्या किया, लाइन से ऐसे कलर किया गया है। ठीक है, और आधे भाग को खाली रखा गया है। यहाँ भी आधा भाग खाली है, दूसरे वाले आकृति में भी आधा भाग भरा है और आधा वाला भाग जो है वो खाली है। तीसरे आकृति में दिया है वृत्त, तो वृत्त को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है और आधे वाले भाग को कलर किया गया है और आधे वाले भाग को खाली रखा गया है। तो सेम हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन में, जिसमें आधा भाग खाली है और आधा भाग क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो आकृति को चार भाग में डिवाइड किया है, बट इसको तीन भागों को कलर किया गया है और एक भाग को खाली रखा गया है, यानी 1/3 भाग को कलर किया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है, बॉक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उसका आधा यानी 1/2 पार्ट को क्या किया गया है, कलर किया गया है और आधा जो भाग है इसे खाली रखा गया है। तो ये जो गुणधर्म है हमारे क्वेश्चन वाले डायग्राम से मिल रहा है, पहले से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, तीसरे से मिल रहा है, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अब आपके पास में अगर समय नहीं है तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी रॉन्ग ही रहेंगे अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो तो। बट इसे हम यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पांच भागों में डिवाइड किया गया है और तीन भागों को कलर किया गया है, आ रहा है समझ में, और दो भाग को खाली छोड़ दिया, यानी यहाँ भी आधा आधा काम नहीं किया है। तीसरे चौथे वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को उसको कलर किया गया है और दो पार्ट को खाली रख दिया है। तो ये चौथा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, यहाँ पे तीन डायग्राम दिया है, तो पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है। पहले इसमें क्या दिया, ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के अंदर भी सेम डायग्राम दिया है, ट्रायंगल ही दिया है। दूसरे इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे सर्कल है और सर्कल के अंदर ही सर्कल है। आपको समझ में आ रहा है इनका जो नियम है कि ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल, सर्कल के अंदर में सर्कल, सेम डायग्राम आ रहा है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर आयत है, तो आयत के अंदर में आयत है, आयत के अंदर में आयत है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि सेम डायग्राम होना चाहिए। पहले ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आयत बना है और आयत के अंदर में सर्कल है, दोनों जो डायग्राम है ये सेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, ये वर्ग है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हमें सेम डायग्राम देखना है
अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होना, सर्कल है तो सर्कल के अंदर में सर्कल होना। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं तो तीसरे ऑप्शन में सेम डायग्राम बनी है, जो डायग्राम बाहर है वही डायग्राम उसके अंदर भी बनी है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, सर्कल है और सर्कल के अंदर में क्या है, ट्रायंगल है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हमारा जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला ऑप्शन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे तीन डायग्राम है और तीनों डायग्राम को वन थर्ड भाग यानी एक तिहाई जो हिस्सा है उसे कलर किया गया है, एक तिहाई हिस्सा को कलर किया गया है। पहले क्वेश्चन में देखे थे कि 1/2 पार्ट को, आधे भाग को कलर किया था, बट क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या किया है, वन थर्ड पार्ट को कलर किया गया है। तो वृत्त को भी वन थर्ड भाग में कलर किया गया है, ये वर्ग है, वर्ग को भी तीन बॉक्स को कलर किया गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और एक भाग को खाली रखा गया है, यानी वन थर्ड, यहाँ पे भी तीन हिस्सा कलर किया गया है। तीसरे वाले डायग्राम में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के भी जो तीन चार पार्ट किए गए हैं, ट्रायंगल के चार पार्ट किए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, उसमें से तीन भाग को कलर किया गया है और एक भाग को खाली रखा है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में भी देखना है कि वन थर्ड पार्ट को कलर की गई डायग्राम कौन सी है। तो पहले ऑप्शन में आयत है, उसके चार बॉक्स में कन्वर्ट किया गया है, उसको चार भाग में बांटा गया है और तीन भाग को कलर किया गया है और एक भाग को खाली रखा गया है, यानी जो हमने क्वेश्चन में देखे सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हुई है कि वन थर्ड भाग क्या है, कलर किया गया है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो आगे के ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे भी देख के समझ में आ रहा है कि ये 1/2 पार्ट को कलर किया गया, यहाँ भी 1/2 पार्ट को कलर किया गया है और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी, यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमने कितने पार्ट को यहाँ पे कलर किया है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग के अंदर में वृत्त है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में भी वृत्त है और यहाँ पे आयत है, आयत के अंदर भी वृत्त है, यानी क्या समझ में आ रहा है कि जो भी डायग्राम है उन सभी डायग्राम के अंदर में क्या आया है, वृत्त आया है, सर्कल आया है। तो हमें ऑप्शन में भी देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन में डायग्राम के अंदर में, आकृति के अंदर में सर्कल आया है। तो पहले ऑप्शन में नहीं आया है, वर्ग आया है, दूसरे ऑप्शन में त्रिभुज आया है, तीसरे ऑप्शन में वृत्त आया है, ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, बट हमें चौथे ऑप्शन को भी चेक करना है। जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे चौथे ऑप्शन को हमें चेक करना होता है। अगर आप अपने आंसर को लेके एकदम कंफर्म हो जाते हो कि नहीं यही राइट है, हमें देखने से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे भी वृत्त नहीं है, तो हम अपना यहाँ पे टाइम बचा के आगे बढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो डायग्राम दी गई है उसको ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे आयत है। तो हमें ऑप्शन में भी ऐसी डायग्राम देखना है जो बंद हो। ये सभी जो तीनों जो डायग्राम देखे आपने, ये कैसे बंद वाली डायग्राम है, बंद डायग्राम है, ये कैसे भी ओपन नहीं है। ठीक है, चारों तरफ से पैक है बिल्कुल। तो ऑप्शन में देखना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ से ये ओपन है, इसे ओपन डायग्राम कहेंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन में भी यहाँ से ये ओपन है, ये भी इसे भी ओपन डायग्राम कहेंगे, और यहाँ से भी ये ओपन है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो चौथे वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं ये बंद डायग्राम है, ये क्लोज है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। सेम दिखाई दे रही है हमको ऐसे ही कि जो क्वेश्चन में जो डायग्राम दी गई है सभी बंद डायग्राम है, तो ऑप्शन वाला जो रहेगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, ये राइट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर में बंद डायग्राम दिया है और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में ये ओपन डायग्राम दिया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एंगल बने हुए हैं ना, यहाँ पे कोण है। अभी कोण को ध्यान से देखते हैं हम, तो सभी कोण जो है ये 90 से कम अंश के है, यानी न्यून कोण है। कौन से कोण है, ये 90 से कम अंश के है, जिन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। आ रहा है समझ में, तो कौन से कोण ने दिया है, न्यून कोण दिया है। तो ऑप्शन में भी देखना है कि न्यून कोण कौन से वाले ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे समकोण दिया है, 90 अंश का कोण दिया है, तो ये तो नहीं है।
सेकेंड वाले ऑप्शन में ये 90 से ज्यादा का कोण है, देखने से समझ में आता है तो ये अधिक कोण है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में ये भी अधिक कोण है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, तो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ये भी न्यून कोण है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक त्रिज्या बनी हुई है, एक त्रिज्या बनी है सेंटर से लेके, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया और केंद्र से क्या बनी है, एक त्रिज्या बनी है, यहाँ पे भी त्रिज्या बनी है, यहाँ पे भी त्रिज्या बनी है। तो पहले ऑप्शन में भी सेम दिखाई दे रहा है कि केंद्र से लेके वृत्त तक के एक त्रिज्या बनी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट रहेगा, बट हमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जीवा बनी है ना, जीवा है, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे व्यास है ना, दो लाइन दे दिया, व्यास बन गई, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में भी ये जो लाइन है, जो ये केंद्र से होके नहीं गई है, ऊपर से ये जीवा है, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है कि यहाँ पे वर्ग है और वर्ग के अंदर में फाइव सर्कल है, इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ओके, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में भी फाइव सर्कल है 1 2 3 4 5, वृत्त है और वृत्त के अंदर भी फाइव सर्कल है, यानी पांच वृत्त है 1 2 3 4 5, ऐसी डायग्राम देखना है हमें ऑप्शन में जिसके अंदर में फाइव सर्कल होना चाहिए, ठीक है, पांच वृत्त होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में छह वृत्त है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में चार वृत्त है, ये भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में तीन वृत्त है, ये भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में पांच वृत्त है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो डायग्राम में क्या दिया है कि यहाँ पे पांच भुजा वाली आकृति दी गई है, पांच साइड दी गई है आकृति में 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर में कितनी लाइन दी गई है देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी जितनी लाइनें बाहर दी गई है उतनी लाइन उस डायग्राम के अंदर में है, पांच लाइनें बाहर है तो पांच लाइनें अंदर है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है, तीन होती है, तीन साइड है इसकी, तो तीन ही लाइन अंदर में बनी हुई है। यहाँ पे आयत है, आयत में चार साइड होती है ना, चार भुजाएं हैं इसकी, तो अंदर में भी चार ही लाइन खींचा गया है। ऐसी आकृति देखना है जो बाहर में जितनी लाइन है, जितनी भुजा है, उतनी ही लाइन उस डायग्राम के अंदर में खींची होना चाहिए। पहले ऑप्शन में चेक करते, यहाँ पे चार लाइन बाहर है तो अंदर में कितनी लाइन होती है, चार चाहिए, तो यहाँ पे कितनी है, पांच लाइन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में दो ही लाइन खींची है, तो ये भी नहीं है, हमें तीन लाइन चाहिए थी। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे चार लाइनें हैं, चार भुजा है, अंदर में चार लाइन खींची गई है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बट चौथे ऑप्शन को भी चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो अंदर में भी छः लाइन ही होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन ज़्यादा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। वैसे आपको अगर थर्ड वाला ऑप्शन पहले मिलता है तो इसे राइट करके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे अपना टाइम बचाते रहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो स्क्वायर है और यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे सेम ट्रायंगल बना है ना, दो ट्रायंगल है, दो वर्ग है और दो सर्कल है, वैसे ही डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है। पहले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, तो पहले ऑप्शन को राइट करेंगे, बट हम सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल है, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो डायग्राम बाहर बनी है सेम डायग्राम उसके अंदर भी है, तो ऐसा तो यहाँ पे दिया नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ वाले ऑप्शन में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पे जो चतुर्भुज है ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है, बट इसको आप ध्यान से दोगे तो यहाँ से ये थोड़ा कर्व हुआ है, यानी ये चतुर्भुज नहीं है, समझ में आ रहा है, ये जो दिया है ये चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है, बॉक्स है और एक सर्कल है जिसे पूरा डार्क किया गया है,
तो सेम दिखाई दे रहा है हमें तीनों ऑप्शन में, तो हमें सेम दिखाई दे रहा है तीनों डायग्राम में, तो ऐसी डायग्राम देखना है जो हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में दो सर्कल को क्या किया गया है, कलर किया गया है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे दो बॉक्स दे दिया है, तो एक ही बॉक्स चाहिए था, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे वाले ऑप्शन में हमें एज इट इज दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल है, सर्कल है, कलर किया हुआ बॉक्स है और यहाँ पे एक सर्कल है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, बट फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे दो ट्रायंगल दे दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 में। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे घड़ी है, तो घड़ी के जो दो कांटों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 90 से अधिक का कोण बन रहा है ना। सभी जो डायग्राम है यहाँ पे 90 से अधिक का कोण बन रहा है। ऑप्शन में ऐसी घड़ी देखना है जिसमें दो कांटों के बीच में 90 से अधिक अंश का कोण बने, अधिक कोण बने। तो पहले ऑप्शन में न्यून कोण बन रहा है, दूसरे ऑप्शन में समकोण बन रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में अधिक कोण बन रहा है, तो तीसरे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे, और चौथे वाले ऑप्शन में भी समकोण बन रहा है, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि इसको ध्यान से देखते इसके तीनों डायग्राम को, तो क्या हो रहा है कि यहाँ ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो साइड होती है, तीन साइड है, तीन भुजा है, तो ट्रायंगल को तीन भाग में डिवाइड किया गया, तीन भुजा है तो तीन भाग में ही डिवाइड किया गया है, और आयत की चार भुजाएं हैं, तो एक दो तीन और ये चार, तो उसको चार भागों में ही डिवाइड किया गया है, एक दो तीन और ये चार, यानी जितनी बाहर में भुजा है, जितनी लाइनें हैं, उतने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। तीसरे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, ये वर्ग है और वर्ग को चार भागों में ही डिवाइड किया गया है, तो वर्ग की चार भुजाएं हैं, तो एक भाग, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या समझ में आया हमें कि जितनी भुजाएं हैं, जितनी साइड है डायग्राम में, उतने ही पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे कि इसकी चार भुजा है, यानी चार साइड है, पर इसको आठ भागों में डिवाइड किया गया है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इस डायग्राम में छः बाजू है इसकी, तो कितने भागों में इसको डिवाइड करना चाहिए, छः भागों में, तो एक दो तीन चार, पर इसको चार ही भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, ट्रायंगल में तीन भुजाएं हैं, तीन साइड है, तो इसको तीन भाग में ही डिवाइड होना चाहिए था, बट ये तीन से ज़्यादा भाग में डिवाइड है। अब इसे आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो, या डायरेक्ट इसे राइट करना चाहो तो राइट भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में, ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। इस बार एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस जो डायग्राम है इसकी आठ साइड है, ठीक है, तो इसको आठ भाग में ही डिवाइड होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आ रहा है हमारा राइट आंसर, आठ भुजाएं हैं और आठ ही भाग में उसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में तीनों डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो डायग्राम बाहर है, ठीक है, सबसे अंदर में वही डायग्राम है, जैसे यहाँ पे आयत है, आयत के बाद में त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद में क्या दिया, यहाँ पे फिर से आयत दिया है, यानी जो डायग्राम बाहर है वही डायग्राम उसके अंदर वाले भाग में है। दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे वृत्त है, फिर वर्ग है, वर्ग के अंदर में फिर से वृत्त है, यानी जो डायग्राम बाहर है वही डायग्राम उसको फिर से अंदर लाया गया है। तीसरे वाले डायग्राम में यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद सर्कल है, सर्कल के बाद में फिर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बाहर थी ट्रायंगल, वही उसे अंदर लाया गया है। सेम ऐसी डायग्राम देखना है जो बाहर है वो उसके अंदर भी होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो डायग्राम है ये आयत है, फिर आयत है, फिर यहाँ पे ओल शेप दे दिया है वृत्त को, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में जो डायग्राम बनी है बाहर में, उसके बाद में ट्रायंगल है, और सेम डायग्राम फिर उसके अंदर वाली बनी है, जो डायग्राम बाहर है वो डायग्राम अंदर भी बनी है, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
यहाँ पे थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लेसन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको हमारी टिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या तरीका रहेगा, यहाँ पे प्लस बना है और इसके एक भाग में बॉक्स है और बॉक्स के पहले में क्या दिया है, यहाँ पे ऐसी डायग्राम लाइन खींची गई है और उसको एक सर्कल जोड़ा गया है और ये जो लाइन के सामने में ही बॉक्स बन रहा है, इस लाइन के सामने ही बॉक्स बन रहा है, इस सर्कल के सामने ही बॉक्स आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए आप, इस सर्कल के सामने ही आ रहा है, इस सर्कल के सामने ही बॉक्स बन रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉक वाइज अगर हम लोग जा रहे हैं, है ना, तो ये सामने में ही आ रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये उसके सामने में बॉक्स आ रहा है। सेम डायग्राम देखना है कि उसके सामने में बॉक्स आना चाहिए, एंटी क्लॉक वाइज अगर घूम रहे हैं हम लोग, तो ये तो इसके अपोजिट में है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी उसके अपोजिट में है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि इसके सामने में ही बॉक्स होना चाहिए, आ रहा है समझ में, ये अगर ऐसा लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इसके सामने ही बॉक्स होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, तो फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट करेंगे, इसके सामने ही ये क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। इस टाइप से आज के लेसन में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू फॉर ज्वाइन ऑनलाइन क्लास स्मार्ट जितुड़ा यूट्यूब चैनल। आपको हमारी टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।